बल्ले बल्ले बल्ले। इसको इतना चाव चढ़ा हुआ ना अपनी शादी का, गॉड। और सोनिया परौठे बना रही है, अरे तवा नौनदन क्यों उठा रहे हैं? चटरों में हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब? और शादी के प्रिपरेशन जोरों शोरों पे है, बस शॉपिंग ही चलती रहती सारा दिन हमारी। और हलवाई 2-3 दिन लगे थे, वो जो भाजी वगैरह बनाते हैं पहले वो बना ली है, और अभी कल परसों कल से शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ ब्रीफली कि कैसे कैसे पंजाबी फंक्शंस होते हैं, क्योंकि मोस्टली आई थिंक मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, वो सारे इधर उधर से हैं, अलग से, एंड आई वॉन्ट देम टू नो कि हाँ कैसे कैसे इंडियन पंजाबी फंक्शंस होते हैं। सो अभी तो दोपहर के 11 बज के हैं, सभी ने खा लिया था खाना, बट दीपक को अभी मैं बना रही हूँ पराठा, ये दाल वाला पराठा बना रही हूँ ये तो। और आई एम वेयरिंग दिस सूट, और अभी मुझे जाना हनी के, हनी मतलब करण के साथ, थोड़ी सी उसके सामान बाकी है वो लेने के लिए जाना है, और उसके बाद शाम को थोड़ा सा गर्ली स्टफ। वो पैसे गिन रहे हो, मेरे को दे दो थोड़े से। तो अभी हम मार्केट आए थे थोड़ा सामान लेने के लिए, लास्ट मार्केट का जो ट्रिप है मेरा, उसके बाद घर पे बैठना है, अपना फेस पैक वगैरह वाला सब स्टार्ट करना है, और निस्करण एंड वो एक मेरी भाभी है, नई वाली भाभी नहीं है, ये ओल्ड वाली भाभी होगी। हम पता चला इसको बोलो ये आपकी भाभी है, शादी से पहले भाभी आ गई है। हेलो बोलो। हेलो हेलो। सो अभी हम पी रहे हैं गन्ने का रस, गन्ने का जूस। ये अभी आने वाली है यूट्यूब पे। सो लुक हियर व्हाट्स गोइंग ऑन, फेशियल सेशन इज गोइंग ऑन। वो आप लड़की देख रहे हो ना, वो मेरी बचपन की फ्रेंड, फ्रेंड तो नहीं है, छोटी थी बहुत, और वो भी मम्मी का फेशियल कर रही है। मम्मी सोच रही है कि वो अभी गोरी हो गई है बहुत। हेलो हाय, हेलो, बाय नैनू, हेलो बोल दो। हेलो। ये वैसे मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे अभी पता चला कि ये मेरे वीडियोस देखते हैं, और अभी मैं हेयर कलर करवाने लगी हूँ अपना। आई डोंट डू हेयर कलर्स नॉर्मली, बट मैंने सोचा ये वाला करती हूँ। इट्स लाइक अ बरगंडी काइंड ऑफ शेड बालों पे। सारे शर्माते हैं मेरे वीडियोस में आते हुए। मैं भी कलर लगवा रही हूँ यहाँ पे। नॉर्मली आई डोंट डू कलर, बट सडनली मैंने सोचा कि थोड़ा सा यू नो शाइन आ जाएगी, तो सी कि कैसा है ये। यू नो सैलून वाले बोलते हैं कि आपको प्रोफेशनल लगाना चाहिए, बट इन्होंने करा है VLCC में। VLCC में करा है? VLCC में। सो आई थॉट कि करवा लेती हूँ। स्काई। सो कलर मैंने कर लिया है, और थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है, थोड़ा सा ये रेडिश टोन में है या तो। इसके बाद काफ़ी यू नो केयर करनी पड़ती है जब भी आप बाल को कलर करते हो। आई डू होम रेमेडीज। और अभी मैं जस्ट वॉक कर रही हूँ, अभी आज कुछ नहीं है, कल का सारा दिन घर पे रहना है। शॉपिंग सारी कंप्लीट हो गई है मेरी, शॉपिंग जो हुई थी वो लुधियाना से ही हुई थी, तो वो आ जाएगी एक कल परसों तक। नीचे देखो क्या हाल हो रखा है, क्योंकि जो हलवाइयों वाला काम था वो फिनिश हो गया मिठाई बनाने का। और अब मैं अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ा बहुत सामान जो मैंने भाभी के लिए लिया है। तो यू नो पंजाब में जा कहीं पे भी हम लोग जब शादी होती है बहू को कुछ ना कुछ देते हैं, यू नो सूट बनाते हैं, जैसे 11 सूट होते हैं, 21 सूट होते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं। तो हम हमने थोड़े से सूट्स लिए हैं, बाकी जब वो आएंगी तो उनकी पसंद से यू नो ले लेंगे, और स्टिच करवा लिए हैं सूट साथ में। जैसे ऑफ कोर्स गोल्ड ज्वेलरी होती है वो होती है, देन शगुन का ड्राई फ्रूट वगैरह होता है, और मेकअप होता है, और शूज़ पर्स ये सब कुछ होता है छोटा छोटा। दीपक दीपक इज देयर, कैन यू सी दीपक? तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
और मेकअप का मैंने वीडियो शूट करी है, वो शायद कल या परसों आप देख लोगे। ब्राइडल किट जो छोटी सी मैंने किट बनाई है, मेन मेन सामान क्या होना चाहिए वो है, और शूज उनकी हील्स वगैरह मैंने मुंबई से ले ली थी, और सूट्स वगैरह यहाँ से लिए क्योंकि सूट्स की वैरायटी के लिए पंजाबी अच्छा है। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ अभी। लुक एट दिस पंजाबी घर, बहुत क्वाइट है यहाँ पे। इट्स लाइक अ हॉलीडे होम फॉर दीपक। तो दीपक बोलते हैं कि अगर आपको हॉलीडे होम जाना है, एंजॉय करना है, तो उनके लिए ये है। कितना क्वाइट है ये मैंने शेयर करा था रूफ टॉप। सो आई एम मेकिंग दिस चिकन फॉर दीपक एंड करण। तो दीपक ने ऑलरेडी ये मैरिनेट कराया है, योगर्ट, जिंजर गार्लिक, बाकी यू नो थोड़े से मसाला, चिकन मसाला, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक वो डाल के जस्ट एक कढ़ाई में इसको मैं ऑयल करके थोड़ा टॉस कर दूंगी। सो ये मैं बना रही हूँ उनके लिए। सो शगुन के लिए थोड़े से साथ में जैसे अराउंड 11 सूट्स हैं, सलवार कमीज़ वगैरह है, पजामी प्लाजोस वगैरह है, तो उसमें से दो मैंने अभी आपको दिखा रही हूँ। तो इट्स लाइक लिटिल वर्क है ऐसा, ये वेरी ब्यूटीफुल कलर, बट ये जस्टिस नहीं कर रहा है कैमरा। तो ऐसा है कि वर्क है, थोड़ा हैवी सूट है ये वाला। एंड देयर इज दिस रेड सूट, इट्स लाइक ऑरेंज रेड सूट, ये भी काफ़ी प्यारा वर्क है इस पर। यू नो जब आप न्यूली मैरिड होते तो आप ऐसे पहन सकते हो सूट। ये है इसके बाद सब उनके लिए ऐसे छोटी थोड़ी सी बैंगल्स हैं ये, और इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है जो शगुन के टाइम पे जाता है वो है। ये मैं लाइफ स्टाइल से लेके आई थी, मेरी ब्यूटीफुल हील्स, यू नो सिंपल सोबर है बट यू नो एज ए ब्राइडल आप पहन सकते हो। ये है और भी हील्स हैं काफ़ी सारी। देन देयर इज दिस शगुन का दुपट्टा, तो ये बहुत ही प्रीटी है और प्योर में है, और ये वर्क काफ़ी अच्छा इस पर करा हुआ है ये, तो शगुन पे उनको देंगे ये भाभी को। देन आई गॉट हैंड बैग फॉर हर, इट्स लाइक सिंपल सोबर कॉपर, यू नो कॉपर गोल्डन टोन में है ये, लाइक आप कैजुअली भी कैरी कर सकते हो ये। ये मैंने ऑल्डो से मंगवाया है, मिंत्रा से वो है ये। देन मेकअप किट में उनके लिए मैंने ऐसी किट्स तो बनाई हैं जिसमें सारा ऑलमोस्ट सामान है, और ये एक्चुअली मैं सारा सामान आपको मैंने इसका वीडियो शूट करा है तो आपको वो आप देख सकते हो वो है। देन अगेन हील्स वगैरह है, सम अदर स्टफ, दिस किट, मेकअप किट अगेन हियर, और सूट्स बहुत सारे हैं तो मैंने दो तीन दिखा रही हूँ क्योंकि अगर दिखाने लग पड़ूंगी तो वो फिनिश नहीं होंगे जल्दी। तो यही है अभी मेन मेन स्टफ जो दिखाया मैंने। Hi guys, it's Thursday finally and tomorrow is Friday, so कल से wedding function start हो जाएंगे, और आज का दिन बिल्कुल आराम वाला दिन है, कुछ नहीं करना घर पे, just chilling and shopping is complete, थोड़ा बहुत जो काम है वो चल ही आ रहा है साथ के साथ में। और मैं आपको जो मैंने पहना है वो शादी के टाइम पे जब पहनूंगी फंक्शंस पे तभी शेयर करूंगी। और इट्स वेरी हॉट नाउ इन पंजाब, बिकॉज जब आए थे हम लोग सोच रहे थे कि खुश थे कि एटलीस्ट वेदर मुंबई से बेटर है, यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं थी, बट इतनी गर्मी हो गई है कल से और आज, यू नो इट्स वेरी हॉट हियर। जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग। दिस दीपक एंड मम्मी दे आर टॉकिंग समथिंग, वेट। ओके आई गॉट दीज टू फुलकारीज, अगर आपको पता नहीं है पंजाबी फुलकारी इज़ लाइक ट्रेडिशनल दुपट्टा पंजाबी का होता है, तो बहुत तरह के फुलकारी दुपट्टा आते हैं,
और बट मुझे थोड़ा ट्रेडिशनल सा चाहिए था, थोड़ा हैवी सा चाहिए था। तो ये है इस पे ना, ये वर्क जो है इसको फुलकारी वर्क बोलते हैं, ये हैंडमेड होता है ये। इस पे ये पीकॉक काइंड ऑफ बने हुए हैं कुछ। तो ये सारा है दुपट्टा। ये दुपट्टा आप किसी भी सूट के साथ ले सकते हो, किसी भी ड्रेस के साथ, लहंगा के साथ, किसी भी के साथ भी ले सकते हो। तो ये है, मैंने किसी फंक्शन पे लेने के लिए ये लिया है। देन एक और फुलकारी मैंने ली है, वो ये है, वेट निकालनी मुश्किल है थोड़ी सी। ये है, इट्स लाइक येलो। आजकल मुझे येलो कलर का बहुत शौक चढ़ा हुआ है कि मुझे येलो बहुत पसंद है। तो येलो है ये, इस पे भी फुलकारी वर्क है ये वाला। तो ये अभी मैंने दो फंक्शंस के लिए ली है फुलकारी। यू नो पंजाब में फुलकारी ना ली तो ये शादी लगता है कंप्लीट नहीं है। तो ये ली है मैंने, और मैंने यहाँ पे आके तो कुछ खास नहीं लिया, लुधियाना से ही मैंने एक दो तो चीज़ें ले ली थी। और क्योंकि सब कुछ ये सडन हुआ तो कुछ ले भी नहीं पाई। एक तो ड्रेसेस थी वो भी पहन लूँगी जो मैंने पहले नहीं पहनी हुई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यस। एंड जैसे मैंने बोला कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल वेडिंग, नॉट वो बड़ी वाली बिग फैट वेडिंग। सो जो रिलेटिव्स हैं, गेस्ट हैं, वो सारे कल को आना स्टार्ट होंगे, फ्राइडे को। और आज जैसे मेन मेन है, चाची वगैरह आ जाएंगे घर पे, मौसी आ जाएंगी, और बाकी सारे जो हैं वो कल के बाद आएंगे। और जो फंक्शंस हैं, आज तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ना लगाऊं मुंह पे, क्योंकि फिर उसके बाद यू नो रेडी ही होना है, मन नहीं कर रहा है कुछ करने का फिर। तो कल होता है पंजाब में माइयां, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है फ्राइडे मॉर्निंग को, अराउंड 9-10 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो माइयां इज़ लाइक हल्दी, हल्दी बोलते हैं जिसमें यू नो सबसे पहली हल्दी होती है। नॉर्मली 5 हल्दी होती है, 5 माइयां लगते हैं, जो 2 मेन होते हैं, जो एक कल सुबह लगेगा, और बाकी उसके बाद यू नो उंगली थोड़ी सी डिप कर देते हैं, जैसे कल सुबह और शाम, सैटरडे को सुबह और शाम, देन संडे को बारात जाने से पहले 5 हो जाएंगे। तो सैटरडे शाम को और फ्राइडे मॉर्निंग को हमारे सुबह लगेगा ये हल्दी, वो होगी। और कल दोपहर के बाद मेहंदी वगैरह लगाएंगे सभी, वो हो जाएगा, डांस वगैरह थोड़ा बहुत करेंगे। सैटरडे को पाठ वगैरह होगा, हमारे पाठ होगा, और उसके बाद यू नो शगुन वगैरह होगा, जो ब्रदर को होगा ना, उनके इन-लॉज वाले वो आएंगे, और यहाँ पे जिसको यू नो कई लोग तिलक भी बोलते हैं वो करने के लिए आएंगे। और शाम को यू नो लेडी संगीत वगैरह, कॉकटेल वगैरह वो होता है, डांस जागो होती है वो है, और संडे को बारात है तो वो सुबह जल्दी है। नॉर्मली यू नो लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग जल्दी बारात लेके जाएंगे, जल्दी शादी करनी है, फेरे करने हैं, बट हम लोगों ने ये करा कि हमने बहुत जल्दी जाना है, अराउंड 7:30 मॉर्निंग निकलना है, और मुझे रेडी होना है। और ऑलरेडी लिस्ट बन चुकी है लोगों की जो मुझे बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमें भी रेडी कर देना। मॉर्निंग में वो है, और उस दिन बारात है, शादी है, शाम हो जाएगी आते आते। देन मंडे को थोड़ी सी यू नो गेट टुगेदर है, जो भाभी के मतलब मेरी भाभी होने वाली है, उनके पेरेंट्स आएंगे घर पे, ये रिसेप्शन काइंड ऑफ है वो है। तो ऐसे हमारी शादी होने वाली है। और मैंने अभी तक अपने फेस पे कुछ नहीं करा है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ कर लूँ, ब्लीच वगैरह या यू नो क्लीन अप वगैरह कुछ कर लूँ, तो आई डू दैट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वेडिंग फॉर नाउ, एंड वेरी हॉट। चलो गाइस, आई विल सी यू सून विद अनदर व्लॉग। मे बी कल से तो बहुत बिजी होने वाली हूँ, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं कितने व्लॉग शेयर कर पाऊँगी, जो मैंने पहले से शूट करके अप रखे हैं वो शायद अपलोड कर पाऊँगी। एंड टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल, बाय, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर। एंड ड्रामा गुरु इज हियर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? देखो 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 ये देखो 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 देखो, हाँ, जिस दिन से आया है ना, ही इज वर्किंग, बिकॉज ही इज वर्किंग फ्रॉम होम, ही इज वर्किंग फ्रॉम होम। देखो ड्रामा वापिस आ रहे हैं ना, अरे वापिस आ रहे हैं अभी गलत डब्बा उठा लिया, तो ही इज जस्ट सिटिंग। मैं दिखाती हूँ इनका वर्क प्लेस, ठीक है? प्रॉपर वर्क प्लेस जैसे ऑफिस में होता है वो बनाया हुआ है, इज वर्किंग। एंड टुमारो क्या है, फ्राइडे, कल से वो ऑफ लेंगे, तो कल से वो फंक्शंस में इंक्लूड होंगे, अदरवाइज ही सिटिंग ऑन चेयर डूइंग हिज ऑफिस वर्क, दैट्स ऑल। सी कितना ड्रामा किंग है, नॉट ड्रामा क्वीन। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।